नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूँ बायोलॉजी बूस्टर के साइंस फैक्ट सेगमेंट में। दोस्तों, ये जो सेगमेंट है इसमें हम बात करते हैं हमारे आसपास जो घटनाएं हैं, हमारे आसपास जो फिनोमेना होते हैं साइंस के, या तो भविष्य में या वर्तमान में या पहले जो भूतकाल में साइंस से रिलेटेड चीजें हुई है उनके बारे में बात करते हैं, ताकि आपकी साइंस की समझ जो है और बेहतर हो सके। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एटम बम के बारे में। एटम बम एक ऐसा आविष्कार था जिसको खोजे जाने के बाद खुद साइंटिस्ट को अपने आप पे बहुत बुरा महसूस हुआ कि ये हमने क्या बना दिया, ठीक है। और एक तरीके से मानव जाति के लिए अभिशाप है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, ये शुरुआत होती है 1798 से जब यूरेनियम की खोज हुई। इसके 100 साल बाद हेनरी बेक्वेरेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी की खोज की, कि यूरेनियम से कुछ रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती है। और फिर आगे मैडम क्यूरी और पैरी क्यूरी ने इसमें और शोध किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बार नमस्कार क्यों करिए सबसे पहले, तो ये बहुत महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसने सबका दिमाग घुमा के रख दिया, E equal to mc square। इन्होंने ये बताया कि अगर लाइट के प्रकाश, लाइट की जो स्पीड है उससे एनर्जी दी जाए, उससे उतनी रफ्तार से अगर कोई मास है, ठीक है, उसको सप्लाई मिले तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एनर्जी और मास इक्वल है, ठीक है, कोई मास है उससे उतनी ही एनर्जी निकलेगी अगर हम उसे लाइट के प्रकाश से हीट करें, ठीक है, उसे उतनी ऊर्जा दी जाए, ठीक है। E equal to mc square इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। लेकिन खुद अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नहीं पता था कि वो जो इक्वेशन बता रहे हैं उससे इतना खतरनाक कोई चीज बनेगी, ठीक है। इसके बाद एनरिको फर्मी साइंटिस्ट है, उन्होंने बम्बार्ड किया यूरेनियम पे, यूरेनियम को बम्बार्ड किया कुछ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से, सॉरी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया और उससे चीजें निकली बाहर। क्या निकला? क्रिप्टॉन, बेरियम और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब ये एनर्जी, जब ये चीजें निकली इसके साथ एनर्जी भी निकली, ठीक है। फिर आगे और बम्बार्ड किया उसको यूरेनियम को, तो फिर और फर्दर बम्बार्ड होते गया और छोटे छोटे एटम्स और बम्बार्डमेंट होते गया और एनर्जी निकलती गई। तो इससे यहाँ ये कंसेप्ट बना, यहाँ पे एनरिको फर्मी को ये समझ में आया कि इससे कोई बॉम्ब बनाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने बस इसकी कल्पना की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे ऑटोमैन जो थे, ऑटोमैन साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी जिन्होंने की थी, उन्होंने ये भी बताया ऑटोमैन ने कि इसका इस्तेमाल जो है आप बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर को या प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, इससे कुछ अलग चीज बनी। इसकी कहानी शुरू होती है 1933 से जब हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आई और हिटलर पूरी तरीके से तानाशाह बन गया। हिटलर ने सबसे पहले जर्मनी में जो लोग थे, जो चीफ थे, ठीक है, उनको भगा दिया वहां से, उनको प्रताड़ित किया, यहूदियों को प्रताड़ित करना उसने शुरू किया। केवल वो चाहता था कि यहाँ पे जो है नाजी लोग रहे, यहूदी ना रहे। तो यहूदी सारे जर्मनी छोड़ के यूरोप के दूसरे देशों में भाग गए, साइंटिस्ट भी इसमें इंक्लूड है। धीरे धीरे हिटलर ने दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको भी अपने अधीन कर लिया, उनको भी मिला लिया खुद ने, खुद की कंट्री में। तो वहां के जो सारे साइंटिस्ट थे, जीवी साइंटिस्ट यानी कि जो चीफ थे, जो यहूदी थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने परिवार को लेके सबके सब शिफ्ट हो गए कहां, अमेरिका में, ठीक है। ये बात है 1939 के बाद की, मतलब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें अभी अमेरिका इंक्लूड नहीं हुआ था। अब हुआ ये कि इधर से जो है जर्मनी अपनी तानाशाह बरकरार रख रहा था, धीरे धीरे वो कैप्चर करते जा रहा था एक देश को, और इधर से जापान भी लगा हुआ था। जापान से एक गोली हुई, इसने पर्ल हर्ब पे बम ब्लास्ट कर दिया, और पर्ल हर्ब जो है एक मतलब बंदरगाह था यूएसए का, उसको उसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसके बाद 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसको पता नहीं था कि आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है। जर्मनी ने, हिटलर ने, जर्मनी के एक साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, डब्ल्यू हेंसनबर्ग, उनको बोला कि आप जो है यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक ऐसा बम बनाओ जिससे एक ही बार में पूरा शहर नष्ट हो जाए। तो डब्ल्यू हेंसनबर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर बर्लिन में, जर्मनी में एक लैब में ये काम शुरू किया एटम बम बनाने का, ठीक है। लेकिन ये खबर किसी तरीके से अमेरिकन साइंटिस्ट के पास पहुंच गई। अमेरिकन साइंटिस्ट जो एक्चुअल में यूरोपियन साइंटिस्ट थे लेकिन वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वो यहूदी थे, उनके पास ये खबर पहुंची। उन्होंने ये खबर
अल्बर्ट आइंस्टीन को दी और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक खत लिखा रूजवेल्ट जो उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका को उनको कि आप जो है वहां पे जर्मनी में हिटलर जो है एटम बम बना रहे हैं तो आप भी एटम बम बनाइए नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा हमारे पास रहने के लिए कुछ पुख्ता हथियार नहीं होगा ठीक है। तो इस चीज को सीरियसली लेते हुए रूजवेल्ट ने कमेटी बनाई और उसमें कई सारे बुद्धिजीवियों साइंटिस्ट को लिया कुछ साइंटिस्ट अमेरिका के थे कुछ साइंटिस्ट यूरोप के थे सबको एकत्रित किया उसमें से 15 साइंटिस्ट तो ऐसे थे जो नोबल लॉरिएट थे जो नोबल प्राइज विनर थे और इनका लीडर इस प्रोग्राम का नाम जो है रखा गया हंटमैन प्रोग्राम ठीक है। हंटमैन प्रोग्राम एक शहर है हार्टमैन एक शहर है अमेरिका का उसके नाम पे ही इसका नाम जो है हार्टमैन प्रोग्राम रखा गया और इसका जो लीडर है वो एक साइंटिस्ट को बनाया गया किसको रॉबर्ट ओपिनियर नाम के एक साइंटिस्ट को एटम बम बनाने का जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था उसका लीडर बनाया गया और एक काम सौंपा गया। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि एटम बम बनाने के लिए हमें चाहिए यूरेनियम क्योंकि कुछ एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव होते हैं यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम ये सब ठीक है। तो यूरेनियम अमेरिका के पास नहीं था यूरेनियम सबसे उच्चतर क्वालिटी का पाया जाता था कांगो में और कांगो अधीन था किसके जर्मनी के। तो इस टाइम इसी तरीके से वहां के जो ओनर थे उस मील के जो ओनर थे उन्होंने संपर्क स्थापित किया अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ और पूरा का पूरा जो कोल है पूरा का पूरा सॉरी जो यूरेनियम है उसको भेज दिया गया अमेरिका ठीक है। तो अमेरिका के पास अब खूब सारा यूरेनियम आ गया था और उसके पास प्लूटोनियम भी था जिससे उसने एटम बम बनाया। एटम बम वर्क कैसे करता है यह मैं आपको बताता हूँ। यूरेनियम को बम्बार्ड किया जाता है इससे था न्यूट्रॉन के साथ जब यूरेनियम को बम्बार्ड किया जाता है तो उससे क्रिप्टॉन निकलता है उससे बेरियम निकलता है उससे यूरेनियम निकलता है और उससे क्या निकलता है उससे रेडिएशन निकलती है ठीक है। अगेन जब फिर यूरेनियम को बम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम के एटम को न्यूट्रॉन के साथ तो फिर यही प्रोसेस होता है बार बार यही प्रोसेस होता रहता है ये चेन रिएक्शन बन जाती है और ये न्यूक्लियर फिशन के कंसेप्ट पे काम करता है जो कि ऑटो फॉन ने दिया था। इस तरीके से इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस की जाती है कि वो पूरे शहर को तबाह करने के लिए सक्षम है। इस चीज को परीक्षण करने से पहले इसका इस चीज को लॉन्च करने से पहले एटम बम को विस्फोट करने से पहले इसका परीक्षण किया गया एक जगह पे रेगिस्तान में और 15 किलोमीटर दूर लगभग साइंटिस्ट सारे बैठ के इसको देख रहे थे और ऐसा लगा जब वो फटा तो ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश जो है उसमें बिजली की टोन गई हो ठीक है। और कई साइंटिस्ट जो है उस समय के लिए उनके आंखों में उनकी रोशनी चले गई ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कई साइंटिस्टों ने अलग अलग बात कही कुछ ने ये कहा कि बहुत गलत चीज हमने बना दी है कुछ ने ये कहा कि विध्वंस है। लेकिन जो इसके ओनर थे जो इसके इस प्रोग्राम के ओनर थे रॉबर्ट ओपिनियन उन्होंने गीता के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक बोला था श्लोक आप देख लेना कौन सा था उसका मतलब है श्लोक का कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आई एम द डेथ द ओनली डेथ टू ऑल दिस यूनिवर्स ठीक है बिकम द डेथ ठीक है। ये श्लोक था कि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही सर्वनाश करने में सक्षम हूं ये श्लोक इसने बोला रॉबर्ट ओपिनियन ने बोला और उसके बाद वो वहां से चले गए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था लेकिन जो जापान है वो मान नहीं रहा था वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन किए जा रहा था तो इस वजह से उसको चेतावनी दी गई और चेतावनी देने के बाद भी जब वो नहीं माना तो अमेरिका ने 1945 को पहला एटम बम जिसका नाम था लिटिल बॉय वो फेंक दिया हिरोशिमा पे और 1945 को दूसरा एटम बम जिसका नाम था बैटमैन वो फेंक दिया नागासाकी में। इस पूरे प्रकरण में ये जब एटम बम फटे तो इसमें 214,000 लोगों की जान गई और रेडिएशन इतनी ज्यादा फैल गई कि अब भी वहां के लोग जो है कोई अजीब सी किसी ना किसी डिजीज के साथ वो जन्म लेते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी हम बात करें तो अमेरिका रशिया चाइना इंडिया पाकिस्तान इन सभी देशों के पास एटम बम है कुछ के पास हाइड्रोजन बम भी है तो ये एक विस्फोटक चीजें हैं जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने में सक्षम है। तो विज्ञान का गलत उपयोग भी हो सकता है और इतने भयंकर तरीके से हो सकता है ये बड़ा ही खतरनाक है ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों होप आपको इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच लव यू ऑल।